Good morning, student. Student, today I am going to teach you grammar. And in grammar, I will teach you simple future tense. In grade 4, I taught you simple past, simple present, and simple future. But today, we will continue with the simple future tense. In simple future tense, we always use will. Okay. Will use वो सेंटेंस बनाते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस होता है क्या है द एक्शन विच इज़ गोइंग टू बी और गोइंग टू हेल्ड इन द फ्यूचर जो फ्यूचर में होने वाला है वो एक्शन ठीक है तो देर वी यूज विल और इन समी यूज बी प्लस गोइंग टू बी मीन्स इज एम आर प्लस गोइंग टू नाउ वी विल सी द केसेज वट आर दी केसेज वेर वी यूज विल एंड वट आर दसिज वेर वी यूज बी प्लस डन बाई च्वाइस विल हम कहाँ यूज़ करते हैं जो हमारे हम जो हम एक्शन करते अपनी चॉइस से ठीक है किसी की जोर जबरदस्ती से नहीं बाई आई आर ओन चॉइस वी डू एनी एक्शन इन देअ केस इन दैट केस वी यूज़ विल आई विल बाई सम्स फॉर यू दिस वॉज माई चॉइस आई विल गेट यूर गेट यू आर ग्लास ऑफ वाटर दिस इज माई चॉइस नेक्स्ट विल इज़ आल्सो यूज टू मेक अ प्रॉमिस जब हम किसी को प्रामिस बनाते हैं इन फ्यूचर आई विल डू दिस इन फ्यूचर आई विल डू देट किसी से भी प्रामिस करते कोई भी तरह की प्रामिस वहाँ विल यूज़ करते हैं लाइक आई विल कॉल यू ए सून एज आई रीच द स्टेशन दिस दिस इज़ टाइप ऑफ प्रोमिस जैसे मैं स्टेशन पहुँचूँगी मैं आपको कॉल करूँगी आई विल मीट यू एट द प्ले ग्राउंड एट एट इन दी मॉर्निंग कल सुबह आठ बजे मैं आपको प्ले ग्राउंड में मिलूँगी दिस इज़ काइंड ऑफ प्रामिस नेक्स्ट अब हम बी प्लस गोइंग टू कहाँ यूज़ करते हैं बी मतलब इज एम आर प्लस गोइंग टू टू एक्सप्रेस अ प्लान किसी का प्लान जैसे हम कुछ प्लान बनाए ठीक है एंड आई वॉन्ट टू एक्सप्रेस माई प्लान दैट आई गोइंग टू डू दैट आई एम गोइंग टू दिस दिस इट इज़ माई प्लान देन आई विल यूज़ बी प्लस गोइंग टू सी द एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू बी एन एस्ट्रोनॉट वेन आई ग्रो अप जब मैं बड़ा हूँ तो मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा ये मेरा प्लान है शी इज़ गोइंग टू स्पेंड अ वकेशन इन मसूरी दिस ईयर ये इसका प्लान है कि जब ये साल वो अपना वकेशन कहाँ स्पेंड करेगी मसूरी में दीज आर प्लान ओके नेक्स्ट बोथ विल एंड बी गोइंग टू आर यूज टू मेक अ प्रिडिक्शन जब कोई चीज़ की प्रिडिक्शन बनाते हैं ना प्रडिक्शन करते हो सकता है ऐसा हो जाए ठीक है अनुमान लगाते हैं देन वी यूज़ बोथ इन सम केसेस वी यूज़ विल एंड इन सम केसेस वी यूज बी गोइंग टू सी आयशा इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्कूल कैप्टन दिस इज़ द प्रिडक्शन हो सकता है आयशा नेक्स्ट स्कूल कैप्टन बनेगी तो आयशा इज आयशा इज अंगुलर इज प्लस गोइंग टू आयशा इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट स्कूल कैप्टन ओके आयशा विल बी द नेक्स्ट स्कूल कैप्टन सी here अगेन आई एम यूजिंग विल तो आयशा विल बी द नेक्स्ट स्कूल इन इन केस ऑफ prediction बोथ आर करेक्ट बी गोइंग टू एंड विल होप यू understood या yeah. let's स्टार्ट द एक्सरसाइज See, to hear what we have to do: underline the verbs in the sentences given below and change them to simple future tense. One is done for you. What we have to do? We have to first underline the verbs and then we need to change the whole sentence by only by changing the verbs into simple future tense. The sentence will be changed to simple future tense. See, Naren writes a letter to his mother. So Naren will write a letter to his mother. Yes, good. Next. ट टू दर्क टूडे वर् क्या है इसमें वेंट या तो यहाँ क्या हो जाएगा सॉरी बैर एन नॉट बालू बालू वेंट टू दार्क टूडे तो यहाँ क्या हो जाएगा बालू विल गो टू दार्क टूडे नेक्स्ट अंकल राम बॉट मी सम स्वीट्स तो वॉट यहाँ क्या हो जाएगा अंकल राम विल बाई मी सम स्वीट्स नेक्स्ट सी थ्री कंप्लीट देंटेंस इज यूजिंग ई दिल और बी इज एम आर गोइंग टू ठीक है हमें विल यूज करना है या फिर बी इज एम गोइंग फर्स्ट वन व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दिस शीट ऑफ पेपर सो व्हाट वी विल राइट हियर स्टूडेंट आई राइट आई अ लेटर टू माय फ्रेंड इन चंडीगढ़ सो व्हाट इज दिस दिस इज अ काइंड ऑफ प्लान व्हाट वी विल यूज आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर यस आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू माय फ्रेंड इन चंडीगढ़ नेक्स्ट तरुण इज अबाउट टू फॉलोली वी नीड टू वेक हिम अप सो हियर व्हाट वी विल यूज दिस इज Shaila get dash a cup of coffee. Shaila is going to get because this is a plan rest.